Greetings and dear students. सबसे पहले तो the use of the word respected, honorable, gracing, is it to make me feel old enough? I agree. Most of you must be 5 to 10 years younger than me. But believe me, I'm not from the other generation. So when I speak to you, I speak through my own experience. Probably times change very rapidly, but believe me, you'll be able to relate to my experience and my journey. It will not be very very different. So मुझे ये 8 points दिए गए हैं to talk about. पहले मैं आपको बता देती हूँ and उसके बाद में जो आप पूछना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ time spend करेंगे. I hope सभी लोग English हिंदी के combination से comfortable होंगे. Before I start, I'll just say कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम ना सुना हो. जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई सारे टीचर्स ही अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे. कॉलेज ऑल्दो इंजीनियरिंग साइड का था, बट देन जो कोई भी यहाँ से है, अलाहाबाद से है या नॉर्दर्न यूपी को बिलोंग करते हैं, तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी फाइंड्स It's mentioned in one or the other way. My father mentions it because he studied here briefly. And this place is very special for me. I never had a chance to visit here. Also, I think this is a new campus. But I hope you people will be kind enough to show me around some other day through the old campus as well. So I'll just start. Ek toh hai, how to stay motivated and maintain consistency throughout your journey. पहली चीज तो मोटिवेशन विल कम फ्रॉम रीजन. सभी के पास करियर की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आप सबके पास भी रही होंगी. उसमें से ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं. कोई साइंस का स्टूडेंट है? ओके, एक दो हैं. तो आप लोग बीएससी कर रहे हैं? बीएससी कर रहे होंगे ना सर? ओके, सो बट आई अज्यूम कि मोस्ट ऑफ यू आर हियर लाइक टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज. तो जब आप लोग ये करियर चूज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप एक ऑप्शन के साथ जाते हैं तो दूसरा छूट जाता है. जैसे जब मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़ के अब यहाँ आना है, तो आप कहीं ना कहीं अपना एक ऑप्शन पीछे रख रहे हो और एक चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, और उसका कोई रीजन होगा. रीजन बहुत सिंपल होगा, आईएएस बनना है, पीसीएस क्रैक करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने का आपका रीजन होगा. योर मोटिवेशन विल कम फ्रॉम द फैक्ट That it's possible. बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Like people always say कि you know, बहुत अच्छा social status आपको मिल जाता है. एक normal middle class घर के बच्चे के लिए it's a lot. I never had a civil servant in my family, but जब आप देखते हो तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो बढ़िया नौकरी लग रही है, कर सकते हैं, ये तो कुछ it's something good. Motivation will come from the fact that it's possible. जब मैं prepare कर रही थी तो मुझे prepare करने से भी पहले लगता था कि पता नहीं कोई होते होंगे जो निकालते हैं, वो बचपन से पढ़ाई करते हैं, वो 10th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हैं इसलिए निकल जाते हैं. ग्रेजुअली आई गेन कॉन्फिडेंस कि एक एग्जाम है, उसका एक सिलेबस है, आपको सिलेबस पढ़ना है, जाके एग्जाम देना है. योर मोटिवेशन शुड ओनली बी दिस थिंग कि अगर आप पढ़ोगे तो आप निकाल लोगे. सक्सेस इज कंडीशनल, सो जस्ट टेल योरसेल्फ. इट इज लाइक ना जैसे एक पहाड़ चढ़ रहे होते हो, जब आप अगर आप एक एक कदम लेते जाएंगे, धीरे ले तेज ले वो आपके ऊपर है, अगर आप लेते जाएंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे. सो जस्ट नो दैट इट्स पॉसिबल. सबसे पहली चीज है एक्सेप्ट इन योर हार्ट दैट इट इज पॉसिबल. जैसे आज नेशनल यूथ डे है, वी हैव दिस नो स्टॉप अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच. सो सबसे पहले तो वही है कि अराइज, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज पॉसिबल, आई कैन डू इट. यहां लिखा हुआ आत्मविश्वास. सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी. पहले वो चीज अपने दिमाग में आप बिठा लो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, हम कई बार बहुत सारे डाउट्स के साथ शुरू करते हैं. जैसे मुझे लगता था कि ये तो आईआईटीएम ज्यादातर निकालते हैं, मैं तो नॉर्मल कॉलेज से हूँ, कैसे होगा.
मैं ऑप्शनल, मेरा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग तो नहीं था, जैसे समबडी टोल्ड मी कि सोशियोलॉजी क्यों लिया, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, उतना इंक्लिनेशन नहीं था, एंड देन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रिलेटिवली ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है. सो डाउट्स विल बी देयर कि भाई डीयू के टॉप नॉच स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अपेयरिंग, जो शायद 10th क्लास से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते होंगे, वेयर डू वी स्टैंड. सो रिमूव ऑल योर डाउट्स. इट इज पीपल अमंगस्ट यू हु बिलीव इन देमसेल्व्स, दे वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड दे रीच. बल्कि अगर आप पुराने बैचेस में देखोगे तो यू हैव दिस ट्रेंड कि किसी से रैंडमली भी पूछो ना, तो उनमें से 10 में से एक इंसान बोलेगा कि मैं AU का पढ़ा हुआ, कि मैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. जब IG सर से मैं यहाँ पे, जो अभी उनका ट्रांसफर हुआ चंद्र प्रकाश सर, उनसे मैंने कि हम तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं. आज एक स्पेशल सेक्रेटरी लखनऊ सर, सर हम भी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं. तो पहले लोग निकल रहे थे ना. वॉट चेंज? प्रोबेबली एग्जाम का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ एंड वी कुड नॉट कैच अप ऑन इट. पर अभी भी लोग निकलते हैं, ऐसा तो नहीं कि अब नहीं निकलते. आई एम श्योर आपके खुद के एलुमनाई में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा ब्यूरोक्रेट्स का. सबसे पहले यू हैव टू बिलीव दैट यू विल डू इट, फॉर सिंपल फैक्ट कि एग्जाम है, सिलेबस है और उसमें से निकलते हैं. एंड सेकेंड रीजन कि आपके बीच में से पहले भी लोग निकले हुए हैं. जो चीज एक बार हो सकती है वो चीज बार बार भी हो सकती है. हम कहते हैं ना, चाहे चीज अच्छी हो या चीज बुरी हो, जो एक बार हो सकती है उसके दोबारा होने की भी चांसेस हैं. सो प्लीज स्टिक इन योर हेड दैट इट्स पॉसिबल, राइट इट समवेयर दैट इट्स पॉसिबल. सेकेंड थिंग इज, हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट पॉसिबल? वहां पे कंसिस्टेंसी आती है. कंसिस्टेंसी मतलब एफर्ट्स को लगातार करते रहना. जैसे आप दौड़ना है, किसी को है कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, आप फर्स्ट डे से नहीं दौड़ सकते, बट यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. मैं आपसे बोलूंगी कि आपको, अच्छा एक चीज और, 3 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत आपकी होनी चाहिए. आई सिंपली डिफाइन कंसिस्टेंसी यह कि 3 घंटे बैठ के एक जगह आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. 3 घंटे क्यों बोल रही हूँ? इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आर हैविंग दिस फॉर्मेट ऑफ 3 आवर्स. आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, UPSC का मेन्स हो, मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही, मैं मेन्स की बात कर रही हूँ. सो दे हैव दिस पैटर्न टू देमसेल्व्स. इसलिए आपको 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए. आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, यंग हो, कुछ लोगों को आदत नहीं होगी. आदत कैसे बनाएं? 50 मिनट बैठना शुरू करें. आप 50 मिनट बैठिए, एक गोल रखिए कि शाम को आपका कॉलेज होता होगा डे आवर्स में, शाम को यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं 50 मिनट बैठ के UPSC का ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. स्टार्ट विथ 50 मिनट्स, आफ्टर अ वीक यू कैन गो टू 55 मिनट्स, आफ्टर दैट 60 मिनट्स, 65, ऐसे ऐसे करते करते विद इन अ मंथ और टू यू शुड हैव अ हैबिट कि आप 3 घंटे बिना वॉशरूम जाए, बिना पानी पिए, बिना इधर उधर दिमाग लगाए आप उस पर फोकस कर सके. आपकी कंसिस्टेंसी का एक और दुश्मन आजकल है आपका मोबाइल फोन. बिलीव इट और नॉट, शायद पिछली जनरेशन के लिए पढ़ना इसलिए ज्यादा आसान था क्योंकि टाइम में फोन्स नहीं होते थे, डिस्ट्रैक्शन कम होती थी. आप लोग खुद भी उस वो टाइम भी आप लोगों ने देखा है जब फोन्स नहीं थे. अब इतने बच्चे भी नहीं है कि बिल्कुल व्हेन यू आर बॉर्न तो फोन्स वर देयर. यू हैव सीन दोस टाइम अपने स्कूल में जब फोन्स नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं इतना चलाते थे. अब क्यों है? आदत की बात है. उन 3 घंटे में आपको अपने फोन से दूर रहने की भी आदत होनी चाहिए. आप स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक आपको सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज है एज सच या बहुत ज्यादा रेलेवेंस है आपकी लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग कि आप छोड़ दीजिए. अगर आप बहुत अनुशासित हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो आप उसका टाइमर लगा लीजिए या कम यूज करिए. आपको लगता है कि आप मेरी कैटेगरी में हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम एंड ऑल. आई डोंट थिंक दैट मीन्स एनी हार्म. सो यू हैव बोथ वेज, ईदर यू रेगुलेट इट और यू स्टॉप इट. लाइक आई स्टॉप यूजिंग इट. जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो इट वॉज वेरी क्लियर टू मी कि आई विल नॉट यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल, मुझे नहीं यूज करना. आपके लिए इट्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके पास टाइम और भी कम होता है. आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हो और उसके साथ आपको तैयारी करनी है. सो यू हार्डली हैव 6-7 आवर्स ईच डे, वो भी जब आप खींच खींच के निकालोगे. सोशलाइजेशन को कम करोगे, एंटरटेनमेंट को कम करोगे, तब आप उसमें से निकाल पाओगे. आपके एग्जाम्स भी होते हैं, आपको खुद का भी पढ़ना होता है. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड. उसमें से फोन ऑल्सो बिकम्स एन इशू, तो ये प्रॉब्लम होगी. कंसिस्टेंसी को रखने के लिए एक छोटा सा तरीका जो मैं अडॉप्ट करती थी, आई ऑलवेज यूज टू हैव अ स्मॉल डायरी विद मी. तो मैं उसमें लिखा करती थी, आप पढ़ने बैठो, नोट करो, 5:10 PM यू सेट, इवन इफ यू आर स्टैंडिंग अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो, नोट दैट टाइम कि 1 मिनट भी मेरा लीक. एक देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज. कई लोग का होता है बैठते बहुत लंबा है बट इफेक्टिवली उसमें से पढ़ाई नहीं निकलती. क्योंकि पढ़ाई को अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स में, जो जो आप चीज 9 घंटे में पढ़ रहे हो, दूसरा व्यक्ति उसको 5 घंटे में ही पढ़ ले रहा है.
देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट. आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए. तो टाइम का लीकेज कैसे होता है, ये 3 घंटे बैठे उसमें से शायद 10 मिनट आप कहीं खोए हुए थे, यू आर थिंकिंग समथिंग, 5 मिनट आप पानी पी रहे थे, आप वॉशरूम गए हुए थे, उसमें से 10 मिनट आप फोन यूज कर रहे थे, तो 3 घंटे में इफेक्टिवली पता चला 2 ही घंटे बैठे. सो दैट एक्सट्रीम फोकस एंड एक्सट्रीम अटेंशन विल बिकम योर हैबिट. प्लीज कीप अ स्मॉल डायरी एंड नोट कि मेरा टाइम बर्बाद कहाँ होता है. यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रॉड है एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट. सो प्लीज हैव दिस हैबिट और आपको रियलाइज होगा कि टाइम बहुत खराब होता है, बहुत सारी जगहों पर खराब होता है. सो मोटिवेशन विल कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स पॉसिबल इफ यू आर विलिंग टू पुट एफर्ट्स. मुझे यूपीएससी से भी ज्यादा जो मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ. एक एग्जाम होता है इंजीनियर्स के लिए गेट करके, तो मैंने गेट अपने फाइनल ईयर कॉलेज में दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 51 आई थी. सो उसके लिए वन ऑफ माई टीचर्स, आई वेंट टू माई प्रोफेसर्स, तो आई टोल्ड हिम कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं निकला तो क्या होगा मेरी, बिकॉज आई एडमिटेड कि माई मैथमेटिक्स वॉज नेवर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दैट वॉज नॉट माई एप्टीट्यूड, इट वॉज नेवर माई गो टू सब्जेक्ट. सो आई टोल्ड हिम कि सर तो बहुत मैथमेटिकल है, हाउ विल आई डू इट, एंड ही जस्ट टोल्ड मी सिंपल थिंग, इफ यू आर विलिंग टू स्पेयर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, बिल्कुल मेहनत करके करोगे तो हो जाएगा, कंडीशनैलिटी के साथ होगा पर हो जाएगा, एंड दैट गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर मैं करूंगी तो हो जाएगा. सिमिलरली फॉर यूपीएससी, जब जॉब छोड़ने की बात आई, सो पीपल वर लाइक कि इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है कि नौकरी छोड़नी है. आई वॉज वर्किंग इन अ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, VHEL इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. मेरे भोपाल में ही मैं रहती थी, भोपाल में मैं जॉब करती थी, एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि तुम मतलब ठीक हो, वाई आर यू लीविंग जॉब, जॉब के साथ प्रिपेयर कर लो. बट आई वॉज सो मोटिवेटेड कि नहीं, बिकॉज मुझे ये था कि अगर मैं डेली 10-10 घंटे पढ़ूंगी ना, 11-11 घंटे पढ़ूंगी और मुझे साल 1.5 साल का टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगी. So that idea of possibility will keep you motivated. Second, motivation will come from your own journey. I believe for a middle class person, no journey is easy. Your parents have put in a lot. Matlab, to put you here, they have been through a lot. So this is your opportunity. Don't waste it. जैसे फॉर मी आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मेरे एग्जाम्स होते थे तो मम्मी पापा घूमने नहीं जाते थे, घर पे टीवी नहीं चलाया जाता था. इनफैक्ट फॉर 4 ईयर्स देयर वॉज नो टेलीविजन, हम लोग तो चलो देखते नहीं थे, यूट्यूब का जमाना हो गया है, यू हैव OTT कंटेंट ऑन योर फोन. पेरेंट्स देखते तो उन्होंने बंद कर दिया. व्हेन दे आर डूइंग सो मच, व्हाई नॉट वी, इफ यू पुट एफर्ट्स. एक हिंदी में कहते हैं ना कि रसरी आवत जात से सिंपल परत निसान. हाँ, तो कितना भी आप स्लो हो, कितना भी आपको नहीं आता, आप प्रैक्टिस करोगे आप कर लोगे. भाई किसी को 9 घंटे में समझ में आता है, आई हैव दैट मोटिवेशन कि मैं 12 घंटे बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी. दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन हैज टू कम टू यू बिकॉज इट्स पॉसिबल इफ यू डू इट, यू इफ यू विल डू ऑल दैट इट नीड्स, यू विल क्रैक इट, देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू. और शायद इसीलिए लोगों का निकलता है, नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. ऐसे भी लोग हैं जिनका हम सुनते हैं कि उनका स्कूल में कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट देन दे डिड रियली वेल, आई गॉट सेकेंड रैंक. आई बिलीव कि देर आर पीपल मोर इंटेलिजेंट देन मी देयर, बट देन आई वॉज विलिंग टू पुट दोज एफर्ट्स एट द एग्जाम नीडेड. ये एग्जाम बहुत ही इगैलिटेरियन एग्जाम है, इन द सेंस कि जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है उसके लिए ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल्स हैं. सी सैट ऑल दो है, आई अग्री, बट उसमें 33% ही तो लाना है. अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप टेक्निकल बैंक के हो, तो आप वहाँ से ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ सकते हो. सो इट प्रोवाइड्स दैट लेवल प्लेइंग फील्ड टू यू. आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो. अब हिंदी के रिसोर्सेज भी बेटर होते जा रहे हैं. पहले देयर वॉज एन इशू, एनी वन वॉज प्लानिंग टू टेक फ्रॉम हिंदी मीडियम, देर आर स्टूडेंट्स, ओके. अब हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने लगा है. हिंदी में आपको बस एक थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हिंदी में जब आप लिखते हो, जो उसकी लेखनी होती है, उसमें शुरू रेखा खींचनी पड़ती है, कई बार थोड़ा सा शब्द ज़्यादा लिखने पड़ते हैं या कुछ, वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे लिखने का तरीका आ जाएगा. क्या हिंदी मीडियम से किसी ने निकाला नहीं है? निकाला हुआ है, अच्छी अच्छी रैंक्स पर निकाला हुआ है. सो इट्स इम्पॉसिबल तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो कर रहा है ना. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंपेयर करो, बट जब दूसरा कर रहा है तो यू कैन डू इट. मतलब स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस. एक और चीज़ है, देयर आर 100 रीजंस टू नॉट डू अ थिंग. बहुत आसान है कि भाई मेरी हिंदी मीडियम में मुझे एमए से नहीं होगा, छोड़ दो. एक और बच्चा जो ये सोचता है कि कैसे नहीं होगा, यू ऑलवेज हैव टू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ कैसे नहीं होगा. बी वेरी पॉजिटिव. सो आई हियर दिस स्टोरी, लाइक आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है, इंटरनेट पर पड़ी हर चीज़ सही भी नहीं होती, बट इट सेड दैट अलेक्जेंडर वॉज अ वेरी फियर्स वॉरियर, लाइक ही हैड दिस एक्यूमेंट फॉर विनिंग बैटल्स.
एंड ऐसा मैंने एनेक्डोट पढ़ा है, आई हैव नो क्लू इफ इट्स करेक्ट और नॉट, बट इट मोटिवेटेड मी अलॉट, सो आई जस्ट टेल दिस टू यू, कि उसकी मदर उसको बचपन में ना, शी जस्ट फेड हिम विद दिस थिंग दैट यू कांट लूज अ बैटल, एंड ही टुक इट टू हिज हेड दैट आई कांट, एंड दैट बिकेम हिज रियलिटी इन द सेंस कि जब आप हार नहीं सकते, सो यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स टू विन, गो विद दैट एटीट्यूड. हैविंग सेड दैट, आई विल ऑल्सो से कि सक्सेस एंड फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. एक स्फीयर में मिलेगा किसी को दूसरे स्फीयर में मिलता है, शायद ही कोई हो जो ये बोले, ये वो गाना है, ऐसा कौन है जहान में जिसको गम मिला नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है, सबके अपने अपने शेयर ऑफ स्ट्रगल्स हैं, राइट. इतना अच्छा अटेम्प्ट एक बार दो बार दे दो कि लाइफ में हो या ना हो रिग्रेट ना रहे. यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, राइट. बट अगर चूज कर लिया है तो अब इसको 100% दे दो. मतलब एक होता है कि एग्जॉस्ट कर दो खुद को, कि जब एक अटेम्प्ट देने के बाद आपको ये ना बचे कि अब और कुछ करने के लिए रह गया है क्या. इतना इंटेंस एफर्ट डाल करके आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद तो फिर बिकॉज यू आर फ्रॉम एकेडमिक्स तो आपको डेफिनेटली यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ हायर एजुकेशन, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन फॉर रिसर्च, यू कैन गो अब्रॉड एंड स्टडी, यू कैन गो फॉर प्रोफेसरशिप, देयर आर लॉट अदर थिंग्स देन. तो फिर बहुत, और बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं दूसरे, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली एग्जाम. करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जो अपना बेस्ट देने से नहीं डरते. सो इफ नॉट दिस समथिंग एल्स बेटर, बट यू विल रीच समवेयर, सो प्लीज कीप वर्किंग. नाउ फ्यू टिप्स फॉर बिगिनर्स एंड व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन. फॉर बिगिनर्स आई विल से कि सबसे पहले यू स्टार्ट हैविंग अ होल्ड ऑन योर बेसिक बुक्स. व्हेन आई से बेसिक बुक्स, एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फर्क होता है. यूपीएससी इज नॉट रिक्रूटिंग हिस्टोरियंस, इट्स नॉट रिक्रूटिंग सोशियोलॉजिस्ट, इट्स इज रिक्रूटिंग समवन जस्ट बेसिक एग्जाम पढ़ के आया है. आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बेसिक बुक्स हैं. 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए. 11th और 12th में भी आपको ज्योग्राफी की जरूर पढ़नी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एटलस के साथ आप इंक्लूड करिए. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ती थी मैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर रीडिंग दैट, और साथ में 11th की एनसीईआरटी. हिस्ट्री के लिए मैं क्योंकि उस हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं थी तो मुझे स्पेक्ट्रम टाइप की बुक अच्छी लगती थी जो नोट्स फॉर्मेट में है, डायरेक्टली पढ़ी जा सकती है. आप चाहें तो आप उसमें एक और बुक आती है बिपिन चंद्रा, यस, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रीड दैट बुक. वो थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिस्टिक लगती है मुझे, तो आई वेंट फॉर स्पेक्ट्रम, दैट इज़ योर चॉइस, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सम पीपल गो फॉर बिपिन चंद्रा, सम पीपल गो फॉर दैट. इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th की बुक पढ़ लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उस दूसरे वाले के लिए आपको कोई ना कोई मटेरियल लेना पड़ेगा. देर आर बुक्स दैट आर अवेलेबल. मुझे बुक्स थोड़े से ऐसे लगते थे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मटेरियल की ज़रूरत है. आई एम श्योर इलाहाबाद में भी आपको पूरा मटेरियल मिल जाता होगा जो दूसरी किसी जगह अवेलेबल है. नहीं भी अवेलेबल है तो ऑनलाइन नोट्स मिल सकते हैं, आप किसी दोस्त से दिल्ली से मंगवा लीजिए, फोटोकॉपी सेंटर पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. जैसे श्रीराम आईएएस का मटेरियल इज ओके, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग द मटेरियल एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. और भी बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल इज अवेलेबल, आपको सिर्फ मटेरियल की ज़रूरत है. कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बेस्ट थिंग इज यूट्यूब. आपको रेपो रेट समझ नहीं आ रहा, गूगल करो रेपो रेट, हिंदी में पढ़े इन हिंदी, रेपो रेट यूपीएससी, ऐसा कुछ डालोगे कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा. तो पहले बेसिक सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं अपने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट. हाँ, साइंस एंड टेक का ऐसे कि इट्स वेरी डायनेमिक टाइप का सब्जेक्ट है. आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल जो आ जाता है ऑनलाइन ही पढ़ा रहता है, करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स पड़ी रहती हैं. अब तो हिंदी में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन अपनी पूरी पूरी बुकलेट डाल देते हैं, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो. बिकॉज ऑफ दिस आईटी रेवोल्यूशन एवरीथिंग, इतना एक्सेस है आपको. एंड ऑल्सो मैंने भी जब प्रिपेयर किया था तो वो कोविड ईयर था, लॉकडाउन था, सो मैंने भी ऑनलाइन सोर्सेज को ही यूज करके किया है. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी योर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पढ़ सकते हैं. आप एक एक हफ्ता दोनों पढ़ के देखिए. हिंदी मीडियम के लिए आई थिंक दैनिक जागरण का कुछ लोग राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं, और भी कोई न्यूज़पेपर मुझे किसी ने बताया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल. जनसत्ता. हाँ, एक और आपको काम करना चाहिए, कुछ यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स हैं जो करंट अफेयर्स की वीडियो डाल देते हैं एवरी डे. इवन इफ अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो हिंदी में होते हैं वीडियोज, आप उसको सुन सकते हैं, उससे आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड तो बन ही जाएगा. दैट इज समथिंग यू मस्ट डू. सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश डजंट मीन कि आप इंग्लिश के रिसोर्सेज या इंग्लिश की अच्छी चीजें पढ़ेंगे नहीं. Just understand my point, कि वो
मटेरियल जो है वो मिस नहीं होना चाहिए. तो हिंदी में वीडियोस आर अवेलेबल, आप उसको पढ़ लीजिए, वहां से आपको पॉइंट्स तो कम से कम कलेक्ट होंगे. तो ये बेसिक करंट अफेयर्स है. करंट अफेयर्स की कोई एक मैगजीन भी आपको पढ़नी पड़ेगी, आईआर विजन है इसका मैगजीन, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, उसको सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट करो, इट्स डीसेंट क्वालिटी, एंड आई थिंक वो हिंदी में भी अवेलेबल रहती है. सो दिस इज, आई डिड नॉट मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, डोंट डू दैट. कोई ऐसा जो विद इन नेक्स्ट वन ईयर ही अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहा है, तो आपको तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए मैगजीन को, अगर आप नेक्स्ट वन ईयर में कर रहे हो. जो लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो एग्जाम ईयर के एक साल पहले से आप पढ़ लीजिएगा. इज इट इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन एनी कोचिंग या मूव टू सिनमो? प्लीज डोंट, दैट इज ओनली वेस्ट योर टाइम. उनकी यूटिलिटी इतनी है कि उनके नोट्स मिल जाते हैं. नोट्स तो आपको वैसे भी फोटोकॉपी सेंटर्स में मिल जाएंगे, जाओ वो नोट्स, कोचिंग में बैठ के नोट्स लिखो या लिखे लिखाए नोट्स ला के पढ़ लो, इट्स द सेम. क्योंकि मैंने वो दोनों वाले टाइम देखे हैं, आई ज्वाइन द कोचिंग, देन लॉकडाउन हैपेंड एंड आई हैड टू गो बैक टू माय होम. जो घर पे रह के पढ़ाई हुई है, रिजल्ट उसी से निकलेगा. ऑल्सो जो पढ़ा रहा है टीचर, आपको लगता है कि बुक से ज्यादा पढ़ा देगा वो? यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, दे हैव रिसर्च बेंट ऑफ माइंड, दे हैव एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड, सो दे ड्वेल डीप इन टू देयर सब्जेक्ट्स. इफ दे आर, अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो दे आर हिस्टोरियंस, अगर वो सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो दे आर देमसेल्फ सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने पीएचडी तक कर रखी होती है चीजों में. वो जो आपको पढ़ाएंगे, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं, दे आर जस्ट पीपल जिन्होंने किताबें पढ़ ली हैं. तो आपको जो वहां गाइडेंस मिलेगा, उससे 10 times बेटर गाइडेंस यहाँ मिल जाएगा. इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर जहाँ मैं पढ़ती थी, तो वहां पर जो टीचर पढ़ाते थे वो खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ाया करते थे रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन. और आजकल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वही है कि वो एस्पिरेंट्स जो थोड़ा सा या तो वेटरन हो जाते हैं या लक डजंट फेवर देम, बट दे आर शार्प इन अ सब्जेक्ट, तो वो पढ़ाने लगते हैं. बट बिलीव मी, यहाँ पे जो फैकल्टी है, नॉन्सो बिकॉज इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा. आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, अपनी कोई तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ऐसी फैकल्टी होगी जो थोड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली होगी, जिसको अच्छा लगता होगा, और चले जाओगे या पूछोगे कि मुझे बता दो, तो भगाएगा तो कोई भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे थोड़ा लेट आ जाना. सो डू दैट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट. आई विल टेल यू, इट विल वेस्ट योर टाइम, इट विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो. आप जाते हो, बाहर रहते हो, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, आपके वहां पे कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे यू हैव पीपल टू सपोर्ट यू. मेरी मम्मी मेरे साथ जाके रही थी, बिकॉज that was something that I needed, I could not live alone. So, it is not very easy. What is important is ki wahan ka material mil jaye. Jaise kuch coachings ke notes bahut acche hote hain, aap ek din Delhi chale jao, wo sare notes khareed ke laake aur apna padh lo. When you are reading, kyunki you are from humanities, please remember, agar aap UPSC ke liye padh rahe ho, aap history padh rahe ho, historian ki tarah mat padhiye, wo aap apni university ke liye padhiye. उसके लिए कीप वेरी, मतलब वेरी फोकस्ड एटीट्यूड कि ये एग्जाम में पूछा जाता है. एक चीज और, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बिलीव मी, अगर आप बिगिनर हैं और आप शुरू करना चाहते हो और आपके पास 2 साल का टाइम है, एज इन आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है और अभी थोड़ा टाइम है, 1 महीना आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिलेबस की कॉपी लेनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉपी लेनी है, बोथ मेंस एंड प्री. एक टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं करना, उसका सलूशन भी नहीं देखना, जस्ट यू रीड द टॉपिक एंड ट्राई टू सी कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे मेडिवल हिस्ट्री मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. आर्ट एंड कल्चर में वो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो पोर्शन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, या तो प्री में पूछ रहे हैं या मेंस में पूछ रहे हैं. एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी सेम हो गया है प्रीलिम्स. सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो. ये एक्सरसाइज मैंने की थी, तो जब मुझे जॉब छोड़ना था, उसके 1 महीने पहले से मैं रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ती थी और सिलेबस का टॉपिक पढ़ती थी. तो आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज कर लीजिए जो टॉपिक वाइज अरेंज हो. हिस्ट्री का एक पढ़िए, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म. तो आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछते हैं ये देखो, पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन, एंड ट्राई टू सी फॉर योर सेल्फ. इसका फायदा शायद शुरू में नहीं समझ आए, बट वेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, आप अननेसेसरीली नहीं पढ़ रहे होंगे. इनफैक्ट लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ी ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. देयर इज दिस चैप्टर ऑन नेशनल कमीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू टाइप कुछ, तो नेवर इन एजेस अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. उसमें भी कुछ पार्ट है, आधी लक्ष्मीकांत ही पढ़नी होती है, बट कैसे पता चलेगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे. अदरवाइज आप क्या करोगे, आप पूरी बुक लर्न करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, बट यू विल नेवर नो कि इंपॉर्टेंट क्या था. दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू कि बिफोर यू स्टार्ट एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन.
एंड गिव प्रॉपर 15 से 20 दिन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन को समझना है, थिंक अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसका हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी होता है, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए. कीप दिस विद यू एंड देन जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो दोबारा अपने, सपोज आपने हिस्ट्री में पढ़ा 1857 का पढ़ लिया रिवोल्ट, गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आर यू एबल टू फाइंड दोज आंसर्स और नॉट. आंसर राइटिंग के लिए आई गिव यू वन टिप, प्रीलिम्स के लिए तो वही है कि कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. टेस्ट सीरीज वगैरह भी सब फोटोकॉपी सेंटर्स पे अवेलेबल है, ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट टेक योर पेपर्स एंड स्टार्ट डूइंग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स के लिए देख रहे हो तो ना सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बल्कि हर ऑप्शन में कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन गलत क्यों है. यूपीएससी में ऐसा भी होता है कि जो इस साल में कोई ऑप्शन है वो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन बन के आ जाएगा. सो ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए. टेस्ट सीरीज लगा लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चन डालते हैं, नहीं भी आता है तो 4 क्वेश्चन करके देख लिए, गलत हो गया तो सीख लिया. कीप लर्निंग समथिंग. आंसर राइटिंग के लिए मैं बोलूंगी डोंट ज्वाइन एनी प्लेटफॉर्म एज सच अभी. सिर्फ प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन आप लिखो और सिर्फ एक आंसर लिखो डेली. आप डिसाइड कर लो कि आप क्या पढ़ने वाले हो. अगर आप बुद्धिज्म पढ़ने वाले हो तो आप देखो कि बुद्धिज्म से कितने क्वेश्चन आए मेंस में, एक कोई क्वेश्चन उठा लो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो एंड स्टार्ट राइटिंग. ना आपको उसमें टाइम लिमिट देखनी है ना कुछ देखना है, आपको सिर्फ वर्ड लिमिट देखनी है. 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स दो तरह के होते हैं. स्टार्ट राइटिंग की एक बार लिखो, पूरा आधा एक घंटा लेके लिखो. वैसे आपको 7 मिनट्स मिलेंगे फॉर 10 मार्कर एंड 10 मिनट्स मिलेंगे फॉर 15 मार्कर, लाइक दैट्स अ फ्रेम ऑफ इट. 170 मिनट्स और 10 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, ये बेसिक कैलकुलेशन एग्जाम की. ये आपको स्टार्ट करना है सिर्फ आंसर लिखते कैसे हैं. ऑनलाइन आंसर्स पढ़ ही रहते हैं आप, एज इट इज अगर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा कंटेंट. यू मैच इट वेदर यू आर एबल टू राइट उस स्टैंडर्ड का, धीरे धीरे योर स्टैंडर्ड्स विल इंक्रीज. डेफिनेटली बहुत सारे टॉपर्स की आंसर शीट्स पड़ी रहती हैं ऑनलाइन, जिस टॉपर से आपको लगता हो कि आपका राइटिंग स्टाइल कुछ मिलता जुलता है. कुछ लोग पैराग्राफ्स में लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ छोटे फ्रेजेस में लिखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, कुछ कंक्लूजन नहीं लिखते. सबका एक अपना अपना राइटिंग स्टाइल है. जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो प्रतिभा वर्मा मैम की कॉपी देखी, मुझे लगा ये तो बहुत सिमिलर है मेरे जैसी, एंड उनकी 3rd रैंक आई थी तो मैंने उसको स्टडी किया कि आखिर वो लिख कैसे रही है. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपना राइटिंग स्टाइल नहीं बदल सकते, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता चले कि वॉट इज वर्किंग एंड वॉट इज नॉट वर्किंग. इस तरह का एनालिसिस करिए. डेली एक आंसर अगर आप लिखोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, बॉडी ऐसे लिखनी, कंक्लूजन ऐसे. जैसे इंट्रोडक्शन का मेरा एक सेट पैटर्न था, कोई टिपिकल वर्ड है क्वेश्चन में तो मैं उसकी डेफिनेशन दे दूंगी. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, आई विल डिफाइन डिसइन्वेस्टमेंट इन इंट्रोडक्शन. आप उसका डेटा दे सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इनमें डेटा बहुत आसानी से आप फिट कर सकते हो. या फिर आप कोई रीसेंट इंसिडेंट या कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो. जैसे अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन आया था उस टाइम पे मुंबई चेन्नई इन सब में फ्लड्स आए हुए थे, क्योंकि तो रिसेंटली मुंबई एंड चेन्नई विटनेस अर्बन फ्लडिंग विच इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमेना. इस तरह से करके यू कैन स्टार्ट. ये मुझे कैसे पता चला कि इंट्रोडक्शन 3 तरीके से लिखा जाता है, प्रैक्टिस कर करके. सो प्रैक्टिस एवरी डे यू राइट वन क्वेश्चन. अगर आपको लगता है पढ़ेंगे तब तो लिखेंगे, तो पहले क्वेश्चन चूज कर लो, उसके बारे में पढ़ लो और फिर एक क्वेश्चन लिखो, बट डेली यू हैव टू डू दिस. वन मोर थिंग आई विल टेल फॉर सीसैट. कई लोगों का ये होता है कि आप सुनोगे देर से कि उन्हें जीएस से इशू नहीं है, उनको इशू सीसैट का है. डेली यू शुड सॉल्व 2 क्वेश्चन ऑफ सीसैट. सिर्फ 2 करने हैं. सुबह सुबह व्हेन यू वेक अप यू डू 2 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले आते हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस, आपको अपनी कमियां तब पता चले जब टाइम ही ना हो उसे ठीक करने का, उससे अच्छा आपको अभी पता चले. एंड हम सब वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, 10वीं तक की मैथ्स है वो, सिर्फ प्रैक्टिस छूट जाती है. 3-4 साल हो जाते हैं कि नहीं पढ़ा होता, नहीं किया होता. डेली 2 क्वेश्चन करो. अभी ये बात बहुत छोटी लग रही होगी आपको, बट प्लीज डू दीज 2-3 थिंग्स हेंसफोर्थ. डेली 1 क्वेश्चन लिखना, क्योंकि 1 क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक तैयार कर रहे हो आप अपना रोज, और 1 क्वेश्चन को लिखने की आदत भी डाल रहे हो. चाहे आप बिगिनर हैं या थोड़े यू आर इन टू द प्रोसेस, प्लीज डू दिस. एवरी डे यू सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑफ सीसैट एंड 1 आंसर ऑफ मेंस आप लिखो ही लिखो. और प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन रिपीट होता है. अगर आप में से कोई
2020 का पेपर देखेगा और 2022 का पेपर देखेगा, 2020 में हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि इंडियन डायस्पोरा ने यूरोपियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को शेप करने में एक मेजर रोल निभाया है. सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन 2022 जहां वो कह रहे हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियंस इन ओवरसीज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हिज डायस्पोरा. एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आ रहा था 2019 की हिस्ट्री में कि 1920s के बाद का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कई सारे स्ट्रेंथ्स ऑफ फिलोसफीज गॉट इंटीग्रेटेड एंड देन दे आर आस्किंग इन 2020 इन गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल लॉट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इमर्ज्ड. दे आर वेरी सिमिलर बिकॉज 1920s पूरा गांधीयन फेज है. आपको ये सब कैसे समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखोगे. Other than gathering knowledge and reading books, how can we improve our personality traits? एक तो reading newspaper and try being more, you know, phrasing yourself properly. जैसे जब आप बात भी कर रहे हो आप try करो कि when you speak very crisp, you speak very properly to the point, उस type से. Especially with your teachers, you can have this thing कि इतने सारे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, कोई भी पकड़ लो, हफ्ते में एक दिन जाके उनसे एक टॉपिक पे डिस्कस कर लो. व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू स्टार्ट, दीज आर सीनियर पीपल, दे नो द थिंग्स. आपको पता है जब आपके कॉपीज भी चेक होते हैं तो वो सीनियर प्रोफेसर्स ही चेक करते हैं, पेपर्स भी सीनियर प्रोफेसर्स ही सेट करते हैं. आई एम श्योर यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे जिन्होंने यूपीएससी के लिए पेपर सेट किया होगा. आप लोग बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा. आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई होगा, पेपर चेकिंग में भी जाते हैं. Because they know कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीजन क्या है, बर्ड्स आई व्यू, दे आर वेरी सीनियर टू यू. जो आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो वो उसको बहुत मैक्रो स्केल में देखते हैं. सो दे विल ऑलवेज नो कि अगर ये टॉपिक है तो इसमें ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. टेक एडवांटेज ऑफ दैट. हम अपनी यूनिवर्सिटी में कई बार टीचर से बहुत दूर हो जाते हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, दे आर सीनियर पीपल, दे आर एकेडमिशियंस. यूपीएससी बहुत ही एकेडमिशियन टाइप ऑफ माइंड सेट का इंस्टीट्यूशन ही है. प्लीज अप्रोच देम, स्पीक टू देम. Phrase yourself well. Whenever you are speaking, try to speak very crisp and clearly. ये इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है. इंटरव्यू में कई लोगों को लगता है आप जाके बैठ गए हो, क्या करें क्या बोलें. एक चीज है हॉबीज, अगर आपकी कोई अच्छी जेन्युइन हॉबी है उसको आप अभी से थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो. बी मोर पार्टिसिपेटिव. उसमें लिखने को आता है को करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, अकेडमिक अचीवमेंट्स. फिर आप सोचोगे कि कॉलेज में क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था. कुछ तो करो, ज्वाइन सम क्लब. कॉलेज में पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ भी नहीं रहे थे वैसे तो, क्या कर रहे थे गॉड नोज. जस्ट टाइम एंड कॉलेज इज लाइक अ वेकेशन. अगर आप बना लो तो वेकेशन है, क्या है बढ़िया, कोई काम वाम है नहीं, क्लास अटेंड करो, जाओ फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो. बट वो 3 साल बाद विल हिट यू बैक. सो मेक दिस थिंग कि आप किसी ना किसी क्लब को, जैसे दिस इज सिविल सर्विस सोसाइटी और समथिंग, सो यू ज्वाइन सम क्लब लाइक दैट, ताकि लिखने को कुछ तो हो जाए. कोई एक हॉबी पकड़ लो और उसमें पार्टिसिपेट कर लो अभी कॉलेज में, कि बता सको कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज में पार्टिसिपेट किया था और ये मेरी हॉबी है. फिर बाद में वो डैप भरने में यू विल फील अ लॉट ऑफ इश्यूज. आई से वन मोर थिंग, ऑल्दो आपको अपने लेवल पे वो चीज इंपॉर्टेंट, स्टार्ट ड्रेसिंग वेरी स्मार्टली. इन द सेंस वियर नीट क्लोथ्स, सिट प्रॉपरली, वर्क ऑन योर जेस्चर, बिकॉज वेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. जब आप वहां जाके बैठे हुए होगे ना तो स्लाउच करोगे या आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वॉट शुड बी माई पर्सनैलिटी टाइप. और कहीं ना कहीं उतने नर्वसनेस और प्रेशर में आप अपने रियल चीज़ें निकाल देते हो बाहर. जैसे फॉर मी आई हैड दिस थिंग ऑफ गिविंग वेरी लॉन्ग आंसर, वो लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है. तो इंटरव्यू में भी आई वॉज गिविंग आंसर्स लाइक 2-3 मिनट लॉन्ग आंसर्स एंड प्रॉबेबली दैट लेट कि मेरे को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले जितने और थोड़े होते तो शायद आई वुड लाइक. So please work on those traits now. Now is the right time. अपनी language improve करिए, अपनी vocabulary improve करिए, books पढ़िए, newspaper पढ़िए, activities में participate कीजिए, be more vocal, be more verbose, start phrasing yourself. How work on your graduation, UPSC preparation both side by side. देखो आप लोगों के कुछ subjects तो common होंगे, तो जो common subjects हैं उसमें तो I don't need to speak much. आप थोड़ा सा ओवरलैप करके पढ़ लोगे. अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की किताब अच्छे से पढ़ी, सपोज कोई पॉलिटिकल साइंस वाला होगा, अगर उसने पॉलिटिकल साइंस की किताबें यूनिवर्सिटी की अच्छे से पढ़ी है तो उसको लक्ष्मीकांत तो बहुत ही ऐसे बेसिक सी लगेगी कि ये तो ऐसा लग रहा है उसकी समरी टाइप की है. तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. रेस्ट यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम, इट्स अ चॉइस. आप कितने बजे यूनिवर्सिटी गेट्स ओवर,
5. And Saturdays are working or free? Saturdays are free. यूनिवर्सिटी का जैसे मैं अपने कॉलेज का बताती हूँ, आई डोंट नो कोई बहुत पढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रखने वाला है तो वो डेफिनेटली दे कैन गो टू इट। जैसे मैं कॉलेज में क्या करती थी, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए डेली बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो आप कवर अप कर लोगे। आप यूनिवर्सिटी में बैठ के भी तो पढ़ रहे हो ना। अब ये मत बोलो कि 9 to 5 जो यूनिवर्सिटी में है वो तो यूनिवर्सिटी का टाइम है। यूनिवर्सिटी में क्या करते हो, पढ़ते ही तो हो। ब्रिंग योर बुक्स एंड रीड, बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए अपनी। यहाँ पे भी मटेरियल लेकर के आइए, अपनी यूनिवर्सिटी के बुक्स लेके आइए। यूनिवर्सिटी में भी बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ट्राई टू रीड थ्रू द टीचर। टीचर के साथ साथ थोड़ा सा तो ग्रैस्प करने की कोशिश करो, भाई वो कुछ तो अच्छा पढ़ाएंगे बुक में से। आई अग्री नॉट ऑल टीचर्स माइट बी इक्वल, बट कुछ तो अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी क्लास में बैठ के ट्राई टू ग्रैस्प थिंग्स, ट्राई टू यूज योर टाइम। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो यूनिवर्सिटी इज द प्लेस। देन 9 to 5 में आपको मूवी देखना है, 9 to 5 में आपको अपना सोशलाइजेशन भी देखना है। 5 o'clock यू गो बैक, देन वो 6 से 12 तक का टाइम आई थिंक। सुबह कितने, व्हाट टाइम इज यूनिवर्सिटी इन द मॉर्निंग? 8:30 or 8:45 ish, सो यू कैन इजिली वेक अप बाय 7, है ना। तो 6-7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। पार्टी भी करते होंगे, चलो वो भी 2 बजे सोते हैं तो आप भी कर सकते हो। 6 to 12 इज योर टाइम, क्योंकि जिसमें से आप 2 से 2.5 घंटा अपना यूनिवर्सिटी के लिए निकाल दो, बट डेली 3 hours इज लाइक योर UPSC का टाइम। देन इट्स अ यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यू बी अप्रिशिएटेड। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा कि तुम ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हो। सो इट्स अ प्लेस लाइक दैट जहाँ यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम आप यूनिवर्सिटी में करो, लंच ब्रेक में न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या यू जस्ट ग्रैब इट फ्रॉम लाइब्रेरी, गो एंड स्टैंड, जस्ट गो थ्रू इट। तो आपका करंट अफेयर्स आपको यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना है और टॉपिक जा करके अपने घर पर पढ़ना है। डेली इफ यू आर रेडी टू गिव दी 6 hours, आप सैटरडे को यू कैन एक्सटेंड इट। बोलने में थोड़ा लग रहा है कि 6 hours, बट इतना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस तो है, दोनों चीज़ों को मैनेज भी करना है, एंड यू विल डू इट। और इतना भी बहुत होता है, जो इंसान डेली 6-6 घंटे पढ़ रहा है वो मतलब चांद पे पहुंच जाएगा, बिलीव मी। 6 hours इज अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड वॉट शुड बी लुक वाई चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, देर आर 2 things, 1 इंटरेस्ट कि आप उसको पढ़ सको, एंड 2nd स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। कोई एकदम ही रैंडम सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, ना उसमें मटेरियल अवेलेबल है, ना उसके लिए कोई गाइडेंस अवेलेबल है, इट्स नॉट वर्थ इट। 2nd इंटरेस्ट, अब मैं किसी को बोलूँ जो हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहा है कि नहीं तो मैथमेटिक्स से ही एग्जाम दो, क्योंकि उसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं। सो चूज योर सब्जेक्ट वाइजली, इन द सेंस एक आप पढ़ सको। जैसे मुझे बहुत क्लियर था कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लूंगी, माय टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर वीक, आई एम नॉट वेरी गुड विद मैथ्स फिजिक्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई विल गो फॉर अ मतलब ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शन। 2-3 चीज़ें आई, पॉलिटिकल साइंस आया, PSIR है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी टाइप का बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने उसका सिलेबस देखा, उसमें बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट, मतलब रोट लर्निंग नहीं होती है, और उसमें अच्छी खासी आपको लर्न करनी पड़ेगी, टेक्निकलिटीज होती हैं सब्जेक्ट में। आई डिसाइडेड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों, हर साल डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड, बहुत जेनेरिक है, एज इन आपके आसपास की चीज़ों को ही सिस्टमैटिकली पढ़ा जा रहा है उस तरीके से। और थोड़ा सा मैंने पढ़ के देखा था, आई जस्ट रेड अ फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक एंड आई थॉट कि ये मैं पढ़ सकती हूँ। इनफैक्ट जब मैंने सोशियोलॉजी लिया तो मुझे लगा इसमें मैथ्स तो है ही नहीं, डेटा है नहीं, सिर्फ पढ़ना ही तो है, पढ़ना है और लिखना है, 2 ही चीज़ें हैं, तो ये तो मैं कर लूँगी। राइटिंग स्किल मैटर्स, राइटिंग स्किल क्या है, मैंने साल भर रोज एक क्वेश्चन लिखा था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लिखना तो मुझे आता है, साल भर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। और फिर धीरे धीरे जब आप लिखना सीख जाओगे ना, एक पॉइंट आएगा कि आप 7 मिनट में वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर दोगे। शुरू शुरू में तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे लिखूं, इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स लिखें, बॉडी से क्या रिमूव कर सकते हैं, क्या उसमें अच्छा डाल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। कुछ टिप्स आई कैन गिव यू, एक तो ये कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग। जिन लोगों को 1 साल बाद देना है, जिनको अभी नहीं देना, दे कैन जस्ट डू इट लेटर, पर जिनको अभी देना है, शीट्स बना लीजिए, प्लेन शीट पे एक पे लिखो एनवायरमेंट, एक पे लिखो एजुकेशन, एक पे लिखो विमेन, हंगर, जो भी होता है, अलग अलग टॉपिक्स पे। कोई रिपोर्ट आती है, जैसे SRCC की रिपोर्ट आई, उसको 1-2 वर्ड्स में लिख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट आई, वो कुछ कह रहे हैं उसको लिख लो। IMF कुछ कह रहा है उसको लिख लो। बजट में कोई चीज़ निकल के आई है उसको लिख लो। एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ एक जगह। जैसे मुझे एक डेटा कभी नहीं भूलता, क्योंकि एक जगह यूज़ कर लिया था कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे, दैट अ स्टडी बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट इफ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इक्वल्स दैट ऑफ मेल,
देन इकोनॉमी वुड ग्रो बाय 27%. ये डेटा मेरे को छप गया, मैंने ये कहीं ना कहीं तो यूज किया भी था यूपीएससी में, समथिंग ऑन दोज लाइंस. ये चीज आप अगर करोगे ना, तो आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ऐसे में डालने के लिए मटेरियल, ये सब इंक्लूड आपके पास हो जाएगा. एक चीज और, जो मटेरियल है बहुत वाइडली अवेलेबल है, इतने सारे लोग प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, सबके पास एक्सेस है, सब पढ़ सकते हैं. आप अलग क्या करोगे आंसर राइटिंग में, कहीं आप डेटा डालोगे, कहीं पे आप कोड्स डालोगे, दीज थिंग्स विल एड थिंग्स. मतलब, और ये एक दिन में आप नहीं सीखोगे, बुक पढ़ के नहीं सीखोगे, या आपके करंट अफेयर्स आपको सिखा देंगे, आपके करंट अफेयर की मैगजीन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उनको एक जगह कंपाइल करके रखते हो, कई बार कोई एक लाइन या कोई एक स्टेटमेंट आपके जहन में रह जाती है, देन यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन योर एग्जामिनेशन. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हम यूजली यूज़ नहीं करते डेली पार्लेंस में, बट आप जब वहाँ आंसर लिखने जा रहे हो, जब यूपीएससी में आप जा रहे हो, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड. ऑल्सो आप खुद सोचो, जब कोई एग्जामिनर है वो इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहा है, एंड दे आर इसेंशियली प्रोफेसर्स, तो दे हैव दिस थिंग कि वो आपके पूरे आंसर नहीं पढ़ने वाले. सो देर आर टू थ्री थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. वन, दे आर पीपल अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम वियर स्पेक्स. बहुत छोटा फॉन्ट लिख के आओगे, पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, दे विल गेट इरिटेटेड, दैट्स ह्यूमन नेचर. सो राइट इन अ वेरी डिसेंट हैंड राइटिंग, डिसेंटली साइज फॉन्ट, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, जो पढ़ने में आपको लगे ईजी है. हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते ना, दे नो, क्योंकि भाई वो सीनियर व्यक्ति है, उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ के आए, दे हैव इट्स बीन टाइम फॉर देम, जब उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया ऑलरेडी. अब सपोज डिसइन्वेस्टमेंट पे वो क्वेश्चन को देख रहे हैं, दे शुड फाइंड वर्ड्स लाइक स्ट्रेटेजिक वर्सेस नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इकोनॉमिक सर्वे का गोल क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. दीज आर सम स्मॉल टर्म्स दैट यू नो, इकोनॉमिक सर्वे से वी कैन फॉलो द स्विस मॉडल, वी कैन फॉलो द सिंगापुर मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. These are the kind of things जो examiner देख करके खुश होगा. जैसे अब sociology में अगर मान लीजिए question आता है, marks से related कोई question है, आप उसमें have, have nots, proletariats and bourgeois ये नहीं लिख रहे हो, आप उसमें polarization, alienation, commodity fetishism, these are the keywords ना, you have to mention them. So have this approach कि जब कोई topic पढ़ते हो उसमें keywords जरूर सोचो कि अगर मैं answer लिखूँ तो ये words miss नहीं होने चाहिए. रैंडम आप उसमें कुछ भी डालते जाओ, बट अगर कीवर्ड्स मिस करोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो अडॉप्ट कीवर्ड अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग. किसी भी टॉपिक के 10 से 15 कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपको अभी से, हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, आई डोंट नो व्हाई इज दिस क्वेश्चन हियर, व्हाट प्रोफेशनल लाइफ यू हैव अभी एंड व्हाट पर्सनल लाइफ यू हैव अभी, ऑल योर लाइफ इज स्टूडेंट लाइफ. सो try to maximize the part of your studies. If you are choosing to come to this exam, अगर आप exam के prepare करना सोच रहे हो, 1-2% लोग होते हैं जो हर चीज़ manage कर लेते हैं, they are very talented, they are extraordinary. जो नहीं होते वो अपने आप को prioritize करते हैं कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी क्या है, study if not, how to keep your mental and physical health fit during the preparation. Now this is more relatable question. Physical health, I'll say, please spare 15-20 minutes. A good brisk walk, a run, anything of that sort will help you. Eat healthy. Student like me, we have this thing of eating a lot of junk. You know, cut that down. Eat healthy, eat light. You should not be sitting on the verge of obesity or on the verge of undernutrition. Maintain a good lifestyle that way. So your eating habits and this 15-20 minute ka physical activity will help you. As far as your mental health is concerned, have a good set of people around you. वो लोगों से तो बहुत दूर रहो जो बोलते हैं कि इसमें 5 साल लगते हैं, एक बार में नहीं होगा, ये छोड़ दो, कुछ और कर लो, पहले नौकरी पकड़ लो, नहीं हो पाएगा, उसका नहीं हुआ था, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. जस्ट कीप देम वेरी 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 फार. कीप पीपल हु टेल यू कि तुम्हारा तो होना ही है, पीपल हु कैन ऑलवेज पुश यू अप. कि अगर एक हफ्ते पढ़ा नहीं है तो कोई व्यक्ति बोले यार एक हफ्ता वेस्ट क्यों कर रहे हो, प्लीज प्लीज रीड. Somebody who pushes you, और ऐसे लोग 1-2 तो होंगे, सबके जीवन में 1 या 2 ही होते हैं, पर होते हैं. Your parents, they can help you keep your mental health good. I think I'll be very incorrect when I say this, but I think कई बार ना हम छोटे छोटे issues को exaggerate करके mental health पे ले आते हैं. Stop doing that. Everybody's life is full of struggles. I agree, कुछ लोगों को issues होते हैं, you should talk about it, you should be very open about it, but don't make it something that is bigger than everything. मतलब कुछ किसी ने डांट दिया, कुछ भी हो गया, अगर कम मार्क्स आ गए तो यू हैव दिस ट्रॉमा एंड यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, यू कांट स्टडी एनी मोर. डोंट हैव दैट एटीट्यूड, बिकॉज हम जिस सोसाइटी जिस उसमें रह रहे हैं अभी भी, वी डोंट हैव द लग्जरी कि वी कैन बी वेरी वेरी टची एंड पिकी अबाउट थिंग्स. वी आर स्टिल इन दैट फेज वेयर स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
यू हैव टू चूज योर बैटल्स, यू हैव टू चूज योर थिंग्स एंड पुट सम, कुछ चीज़ों को पीछे रखना रहता है. सबको अच्छा लगता है कि सुबह उठ के बढ़िया सी कॉफी मिले, अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिले, तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. मुझे वही सुबह 6 बजे उठ करके कोई पढ़ाने के लिए बैठ जाए तो आई एम हैविंग मेंटल हेल्थ इशूज. लाइक डोंट कन्फ्यूज योर स्ट्रगल विद योर मेंटल हेल्थ इशूज. मेंटल हेल्थ इशूज कैन बी जेन्युइन. किसी को कोई एक्चुअल पर्सनल रीजन है, देन रीच आउट फॉर हेल्प. हर छोटे छोटे इशू को अगर आप बड़ा बना लोगे तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपका अटेंशन यहाँ होना चाहिए. हैव गुड फ्रेंड्स. आई एम अगेन सेइंग, दो लोग कम से कम, जैसे मेरे फ्रेंड्स, मुझे BHL में एक वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर. तो जब मैं नौकरी छोड़ रही थी, सो आई सेड कि यू नो इट विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. सो दे सेड कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मैंने कहा फाइनेंशियल भी बर्डन होता है, ऑल्दो आई वर्क फॉर 2 ईयर्स, आई हैड सम सेविंग्स, पर फाइनेंशियल बर्डन होता है, कैसे होगा. तो लाइक हम तुम्हारा लिए पे कर देंगे, बस तुम करो. सो दैट कॉन्फिडेंस, ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स में है कि भाई तुम पढ़ो, हम दे देंगे, घर से जो भी देना होगा, वी विल स्ट्रगल बट वील गिव इट टू यू. सो योर पेरेंट्स, योर 2-3 गुड फ्रेंड्स, दे विल हेल्प यू. डिस्कस विद देम. मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है, उनसे डिस्कस कर लो. स्ट्रेस हो रहा है, उनसे डिस्कस कर लो. और वो लोग जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल के दोबारा काम करने, वो नहीं करे हाँ हाँ एक हफ्ते बैठ जाओ आराम कर लो फिर ठीक हो जाओ. दोस्तों जस्ट टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन. एक और चीज है, कीपिंग योर सेल्फ बिजी विल हेल्प यू हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ. खाली बैठ जाओ एक हफ्ते तो वैसे ही अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ के थॉट्स विल कम टू यू. एवरीथिंग, द फियर ऑफ फेलियर, ये वो पढ़ते रहोगे, इशू होगा ही नहीं, टाइम ही नहीं है इशू होने का. मतलब आई नो आई एम नॉट बीइंग वेरी पॉलिटिकली करेक्ट और वेरी लाइक टेक्निकली करेक्ट, बट दिस इज रियालिटी, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. कि आपको खुद को बिजी रखना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, इवन वेन यू डोंट वॉन्ट टू. एक चीज और है, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है. हार्डली 5-10 लोग होते होंगे जिनका मन करता है पढ़ने में, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ के. यू चूज इट. आप कॉन्शियसली दूसरी चीजें ना करके यू आर चूजिंग टू स्टडी. दैट इज अ स्ट्रगल, दैट इज अ चॉइस, एंड यू हैव टू डू इट. तो मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा. सो दिस इज फ्रॉम माई साइड. आई वुड रादर वेलकम क्वेश्चंस फ्रॉम, वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस क्विकली. स्टार्ट. या मैम, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी कैन बी अ लिटिल रॉन्ग. मैम, डू यू थिंक दैट यूपीएससी इज क्वाइट ओवररेटेड? आई जस्ट गिव एन इंस्टेंस. टू माय टुडे मॉर्निंग देयर वाज अ क्लास एट 8:55 and our professor came. He said, better do study this subject. I will not name the professor nor his subject. He said, do study this subject very well, you'll get employment, you'll get better life. I've achieved everything I could. A student from back said, so you did not achieve UPSC. And ma'am, once we have enrolled in this university, everyone is asking, when you're preparing for UPSC, when are you giving your first attempt? So do you think this exam is quite overrated? I'd say somewhat yes. The glorification in the social media is beyond what it should be. And every job has its pros and cons. हमें सिर्फ अच्छा साइड दिखता है, बुरा साइड हम कभी देखते नहीं है उस चीज का. Definitely job बहुत अच्छी है, आपको बहुत satisfaction मिलेगा. ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी छोड़ देते हैं. So it is. If you ask me honestly, yes or no, yes it is. Media has glorified is beyond, and more so in few years to exam qualify karna, you are adding prefix like honorable and respected to, I don't know what have I done to those prefixes, but yes, there are wonderful careers out there. People in the field of economics, history, society, polity, engineering, they go on to like create a world for themselves. We have top-notch economists in the country who are heading various institutions. Had they been in UPSC, probably you would not know them. There are people who need it. So that is true. But you have to choose your interest. If this is your interest, aapko us sadak pe khade hokar ke kaam karna achha lagta hai, you like working on the ground, then this is your place. So choose it. But we go through that. You know, we see glamour a lot. Wo gaadi ka gate kholna, wo ye hona, wo hona. That is not your job. That's not like, भाई गाड़ी मिल भी जाएगी तो कहाँ लेके जाओगे? टाइम भी तो होना चाहिए, कहाँ घूमोगे? पीपल आस्किंग कहाँ घूमोगे, सन बन गई हूँ बस. कहाँ जाओगे भाई? यू डोंट हैव दोस काइंड ऑफ एवेन्यूज. देयर आर पीपल जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करते हैं, दे लाइक हैविंग अ लाइफ जहाँ उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी पर्सनल लाइफ हो, दे कैन गो ऑन वेकेशंस, दे कैन हैव दिस. जैसे वन थिंग पीपल डोंट टेल अबाउट सर्विसेज इज पर्सनल लाइफ इज नॉट एज ग्रेट एज इट सीम्स. हस्बैंड वाइफ आर नॉट लिविंग टुगेदर क्योंकि उनकी पोस्टिंग्स ही अलग अलग हैं. Kids, bringing up the kids has its own struggle. मतलब बहुत सारे लोग हैं, they say कि this is not something we chose to be in. तो ये कि know what you are
coming into. It is overrated because the glamour quotient is too glorified, which is actually not it. Yes. Ma'am, I'm very happy and feeling good to hear from you. And myself, Yuma Mita, from the third year. And for doing it in... And I'm doing it in economics. So my question is to you that how is the feeling feels when you become an IAS officer? Because the moment I saw you here, I am actually feeling very hopeful inside from inside to me, and I am actually feeling very good to see you, ma'am. Because if I am appearing for the examination, I am hoping to appear in the examination. It is my dream to become an IAS officer one day, like to you. So how it actually feels? And the second question to you is that do we really go for the plan B while preparing for the UPSC examination, and how important it is? Because nobody knows that how we are going to select, really select in the exam or not. So how many students are there in this class? No. Rough number. Almost 300. UPSC ne 8 saal, IAS ne 180 seats hi aati hai. So even if all of you just sit, just this like cohort, even then not all of you will make it. So plan B is important. I agree to that. Have it at the back of your mind. जैसे मेरा था कि अगर ये नहीं हुआ तो आई गो एंड परस्यू माई एम टेक, आई गो फॉर रिसर्च, आई सी कि एम एस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ट्राई फॉर प्रोफेसरशिप इन अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. प्लान भी इसलिए होना चाहिए कि बाद में हम ऐसे ढूंढ ना रहे हो कि हमें करना क्या है. बट हैविंग सेड दैट, जब आप अपना प्लान भी चूज करते हो तो रिमेंबर इट्स प्लान बी, उस पर बैंक नहीं करना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू बी लाइक कि यार यू शुड नॉट नीड इट. आपका वो ऑप्शन है, चॉइस नहीं. चॉइस तो यूपीएससी ही है, बट देन बिकॉज नॉट एवरीबडी विल क्वालिफाई दिस एग्जाम इवेंचुअली. भाई स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जेई वाला एग्जाम है, नीट है, और आई एम ऑलमोस्ट लाइक 27 ईयर्स, आप सबसे 5-6-10 साल की कुछ तो मैं बड़ी हूँ यहाँ पे. एंड बिलीव मी, लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेता है. अगर वो मेहनती है तो हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा, दैट इज द गिवन. सो प्लान बी विल वर्क फॉर यू. ऐसा नहीं है अगर आप मेहनती हो तो आप कर लोगे. सो हैव some sort of thing for you, but always remember, keep it at the back of your mind, not at the forefront. वो frontal lobe में नहीं कि always you're thinking कि अच्छा ये नहीं हुआ तो चलो वो तो है ही. I have a cousin, उसने यही किया. वो हमेशा MA कर लूँगी फिर मैं PhD कर लूँगी. Now she has taken admission PhD, but उसने क्या किया, हमेशा उसको prioritize करती गई. वो ये भूल गई कि वो plan B था. She never actually prepared for UPSC properly. वो मत करो. UPSC is not a hobby. इसे कहते हैं it's a national hobby of India. कुछ नहीं है तो चलो यही कर लो, वो मत करिए. प्लान बी का एक बेसिक अपने दिमाग में रखिए. बट जब आप यूपीएससी लिए कर रहे हो, कम से कम 2 साल तो लग करके एकदम ऐसी मेहनत कर दो कि निचोड़ हो जाए और ऐसा लगे कि जो कर सकता था कर दिया. नथिंग बियॉन्ड दैट. And my priority, I'm thinking at the moment that whether I should go for the main economics or I should give 1 year fully to the UPSC preparation. I was quite confused. See, again, it's a choice. It's a choice. Had I been in your place? अगर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो चुका होता, जैसे मैंने भी तुरंत अपने बीटेक के बाद तैयारी नहीं की थी, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट अ बिट लेटर, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस नहीं था. जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हो. एंड डेफिनेटली अगर आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और आपका एक ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो. तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. I have a question that society has set a lot of narrative about civil services, that if you go into this, there is a lot of political pressure, you cannot work on your own will. So these things really demotivate me, and now I cannot find the courage to give this exam. Okay, I have just 2 years of experience in the service, but I'll say problems are a part of every job. My father is a professor, but wo kehte hain इतने दूसरे कामों में लगा रखा है कि पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता. प्रोफेसर हैज दिस कोर जॉब ऑफ टीचिंग, उनको दूसरी चीजों में है, तो आपको ये लग जाता है कि क्या मतलब है प्रोफेसर बनने से, जब करने के लिए दूसरे काम में लगा देते हैं प्रोफेसर हम बनी नहीं पा रहे, रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं. एवरी जॉब विल हैव इट्स इश्यूज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्रेशर फ्रॉम पब्लिक, द
डिसीजन टू चूज द राइट एंड द रॉन्ग, द गुड एंड द बैड, बहुत सारे पता है कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट बट बैड, रॉन्ग बट गुड. तो कई बार बहुत सारे ग्रे जोन्स में आप ऑपरेट करते हो, बट बिलीव मी जो स्कोप एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सर्विस है वो इतनी ज्यादा है कि यू कैन चूज थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. एंड प्रेशर का ऐसा होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इफ यू गिव इन टू प्रेशर दे विल मेक प्रेशर. एक बार किसी को पता है कि आप इंसान सही हो, आप अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेते, यू कैन ऑलवेज स्टैंड अप. वन मोर थिंग आई से, हमें हमेशा सिखाया जाता है दैट वन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड विनम्रता, विनम्रता बहुत होनी चाहिए. जैसे मुझे ऐसा लगता था कि एकदम फियरी ब्रांड होते होंगे, जा करके बैठ के ऑफिस में इसको डांटो उसको डांटो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन बींग्स आर. ह्यूमन बींग्स आर नॉट रिजिड ना, वी हैव ब्रेन, वी हैव एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली. अब ये सीखा है गुस्सा आ भी रहा हो, अच्छा नमस्ते बताइए बोलिए. जैसे आई एम फ्रॉम भोपाल, भोपाल में तुम बोलने का कल्चर बहुत ज्यादा है, तुम, और आप भी बोल रहे हो आप करोगे, आप करिए, तो मतलब सीखा ही नहीं था. पर मैंने कि तो फिर उसके बाद आया वाज़ मेरठ, मेरठ में तो और उससे भी एक कदम ऊपर, आप तो मतलब बहुत ही कुछ वो है, तो आप मुझे आके लोग मैडम तुमने काम नहीं किया. सो यू नो यू चूज योर थिंग्स, आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी. आपको प्रेशर लेना है या नहीं आपकी अपनी चॉइस है. आप एक बार प्रेशर, एक होता है कि आप इंसान सही हो पर प्रेशर नहीं लेते तो आपको बोलना बंद कर देंगे, एज सिंपल एज दैट. कि आपके पेरेंट्स आपको 10 बार बोलेंगे पढ़ पढ़ पढ़, प्रेशर लिया पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भाई ठीक है अब जाओ. एंड दैट इज हाउ द साइकी वर्क्स. यू वॉन्ट टू टेक प्रेशर यू टेक इट, यू डोंट वॉन्ट टू टेक प्रेशर डोंट टेक इट. इतनी सारी फील्ड्स हैं, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रेशर नहीं लेना, आपको किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे, वहाँ अच्छा काम करो, हेल्थ में अच्छा काम, भाई कोई तो डिपार्टमेंट में तो रखेंगे, सर्विस से तो निकालेंगे नहीं. So if you are a good person, you are an honest person, you want to work, and good people are needed everywhere. और बाकी तो believe me, pressure is like हर job में pressure है. हमें लगता है हम पे बहुत pressure है. When I speak to my papa, he is like हम पे बहुत pressure है. हर किसी का pressure. Doctors बोलते हैं उनपे बहुत pressure है. So everybody is having pressure. Everybody has their own issues. It is about your own choices. But believe me, आपको demotivate होने की ज़रूरत नहीं. There's a lot of work that you can do. A lot of work मतलब a lot of work. Political pressure is hardly like 10% of that. Don't focus on it. Focus on the other 90%. And good work is always appreciated. I'm from BA first year. So how can I start from now? What can I do? You can start reading newspaper and you can pick one book. I'll suggest aap Lakshmi Kant se shuru kar sakte ho. It's a very basic book. Usme bahut zyada current ka nahi hai. Basic. डेली कुछ कुछ पेजेस पढ़ना, दिस इज समथिंग आई कैन सजेस्ट. ग्रेजुअली न्यूज़पेपर कंटिन्यू करो. फर्स्ट ईयर में हो तो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कीप ऑन रीडिंग द बुक्स एंड यू शुड हैव दिस थिंग कि विद इन नेक्स्ट वन ईयर यू शुड बी एबल टू कंप्लीट लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी. 3 सब्जेक्ट आप नेक्स्ट एक ईयर में कर दो. दिस इज थिंग लर्निंग स्पेक्ट्रम इज सो ब्रॉड, सो हाउ कैन वी मेमोराइज ऑल दिस बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन. I'll tell this to you, जब आप कोई किताब पढ़ते हो फर्स्ट टाइम रीड करने में यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सेकंड टाइम थोड़ा कम टाइम, थर्ड टाइम में और कम, बिकॉज जितने बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएंगी. एंड बिलीव मी आप ऑलमोस्ट 10 बार पढ़ लेते हो एक किताब, तब जाके आपके दिमाग में बैठता है. सो दैट विल हैपन, यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन. कुछ चीज़ें होंगी वो याद होंगी, कुछ चीज़ें भूलोगे, तो जो भूल रहे हो उसको बार बार पढ़ते रहोगे. जैसे भाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 याद क्यों है, इतने बार पढ़ लिया है. जो अब आप मेरे से पूछोगे कि मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स के बारे में बताओ, वो उतना याद नहीं है. क्योंकि शायद रिलेटिवली कम बार पढ़ा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था. बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बिलीव दिस टू मी. एक दो बार में कोई किताब आप, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ी तो मुझे लगा मुझे कोई पूछे तो बस मुझे इतना पता है कि देयर वॉज गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड समथिंग वॉज हैपनिंग, सरोजनी नायडू एंड समथिंग वॉज हैपनिंग. एक दो बार इधर वो गदर मूवमेंट, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स, बस इतना ही समझ में आया था. सेकंड टाइम पढ़ोगे उसमें और याद होगा, थर्ड टाइम में और ज्यादा होगा. ग्रेजुअली पढ़ने के लिए जो टाइम आपको लगेगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप एक चीज बार बार पढ़ोगे, आधी चीजें तो याद हो गई, आधी ही तो पढ़नी है. सो रिविजन इज द की, प्लीज रिवाइज. बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सप्लीमेंट्री है. कोई बेसिक बुक नहीं पढ़ेगा. आप अगर ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज नहीं पढ़ोगे तो आई डोंट नो, मतलब शायद कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे, उनका हो जाता होगा. मुझे लगता है बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. बुक्स विल बी लाइक 70% ऑफ योर कंटेंट एंड 30% जो गैप्स रह जाते हैं एग्जाम के हिसाब से वो कोचिंग का मटेरियल विल फिल इट अप. न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका रीजन है. मैं क्यों बोल रही हूँ,
आप देखोगे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज एक दिन में नहीं आती कि आज अचानक से कोई चीज आई कल कुछ नहीं आएगा। यूक्रेन वाला वॉर आ रहा था, कम से कम 2.5-3 महीने वही आ रहा है, एटलीस्ट डेली एक आर्टिकल है, आपके दिमाग में बैठ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, मैगजीन से आप पढ़ोगे तो आप एक बहुत ही कंप्रेस्ड पोर्शन पढ़ रहे हो, फिर दिमाग में बैठेगा नहीं, तो उसका डेवलपमेंट आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो आई सजेस्ट पहला पेज पढ़ लीजिए और संपादकीय या एडिटोरियल पढ़ लीजिए। हाँ सफिशिएंट टाइम है प्रोवाइडेड आप डेली 6-6 घंटे पढ़ो। हाँ बताइए। और क्योंकि पढ़ रखा है ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखने की जरूरत है। प्लीज राइट वन आंसर एवरी डे। अगर हर दिन लिखोगे, अगर नेक्स्ट 4 महीने भी लिखते हो तो इट्स 120 डेज, 120 आंसर्स लिख लोगे। थिंक ऑन दोस लाइंस। और टॉपिक वाइज में मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब सेग्रीगेट होता है उसमें कंप्लीटली काफी थोड़े कम होते हैं, क्योंकि रिवीजन की कमी है। रिवाइज करते जाएंगे तो आगे चीजें इजी हो जाएंगी। प्रैक्टिस विल टेक केयर ऑफ दैट।